I welcome you all on my channel, and we are discussing about a very important topic of psychology as well as educational psychology, intelligence. And in intelligence, we are dealing with theories of intelligence, as it is a very broad topic. Hence, we have subdivided it into many theories, and we are taking each one by one. Okay, so today is the lecture number 6 of the main theme intelligence, and the topic which I am going to deal today is Thurston's theory of intelligence. And this video will be useful for UGC NET, CTET, and all sorts of teaching examinations, competitive teaching examinations. Okay, so today we are going to deal with Thurston's theory of intelligence. हम लोग कौन कौन सी थ्योरी पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ ली है, बाईफैक्टर थ्योरी पढ़ ली है, मल्टीफैक्टर थ्योरी पढ़ ली है, और कल हम लोगों ने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? वर्नन की हायरार्किकल थ्योरी. ओके, एंड बिफोर आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर अंडरस्कोर एजुकेशन. एंड इट इज माई इंट्रो, यू ऑल नो मी. जो पहली बार ये टॉप मुझे सुन रहे हैं उनके लिए, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज. ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, और ये मेरी ईमेल आईडी. सो सब्सक्राइब माई चैनल, और हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे एक बात बता दूं कि ये भी थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत आएगी. साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत आएगी तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस थ्योरी में भी ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है. इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो थ्योरीज हैं वो साइकोमेट्रिक अप्रोच के तहत आती हैं, और जिसमें ये बताया गया है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन किस तरीके से बिहेव करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, वो सारी थ्योरीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंतर्गत आती हैं. तो हम लोगों ने कल जो थ्योरी पढ़ी थी वर्नन की हायरार्किकल थ्योरी, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो दो एक्सट्रीम है, एक स्पीयरमैन जो जी फैक्टर को प्रधानता देते हैं, और एक थर्स्टन जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो जी फैक्टर को नहीं मानते हैं और सिर्फ मल्टीपल फैक्टर या ग्रुप फैक्टर को प्रधानता देते हैं, उनके बीच में वर्नन की थ्योरी लाई कर रही थी, जो कि ये भी मान रहे थे कि नहीं, जी फैक्टर भी जरूरी है. और वो उन्होंने एक हायरार्की बनाई जिसमें लास्ट में स्पेसिफिक फैक्टर मिल रहे थे. तो हम लोग आज थर्स्टन को पढ़ेंगे कि क्या इन्होंने बताया बुद्धि के बारे में, और किस तरीके से इनकी थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस की फील्ड में आगे, उसने कितने रिसर्चेस को प्रमोट किया, और साइकोलॉजी में क्यों इसका इतना महत्व है. तो सबसे पहले थर्स्टन जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनिशियली ही वाज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. एक बात जो मुझे बहुत रोचक लगती है, और मुझे सभी मनोवैज्ञानियों में आई थिंक मुझे कॉमन लगती है, कि कोई भी शुरुआत से साइकोलॉजिस्ट नहीं था. कई लोग, जैसे हम लोगों ने अल्फ्रेड बिनो को पढ़ा, तो अल्फ्रेड बिनो ने तो कभी साइकोलॉजी पढ़ी ही नहीं, और शुरू में कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी विधा में, और सब लोगों ने साइकोलॉजी में इतना काम किया, बाद में उन्होंने उसको अपनाया. उसी तरीके से थर्स्टन भी इनिशियली ही वॉज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. और सबसे रोचक बात आपको ये लगेगी, एंड वर्क फॉर थॉमस एडिसन एज एन असिस्टेंट. मतलब कुछ समय तक के लिए इन्होंने थॉमस एडिसन के संग भी काम किया है. लेकिन फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट इन 1912 ही हैड स्टार्टेड टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा. 1912 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा आ गए, और तब इनका इंटरेस्ट जागा किसमें, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में. तब इनको ये रोचक लगने लगा, इनको रुचिकर लगने लगा कि हम जाने की कैसे सीखना सिखाना है. फिर इन्होंने क्या किया, इनका एक और महत्वपूर्ण योगदान है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, इन एडिशन टू हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने द साइकोमेट्रिक सोसाइटी की स्थापना की. मतलब इन्होंने और इनके जितने फॉलोअर्स थे, इनके जितने डिसाइपल्स थे, उन्होंने मिलकर द साइकोमेट्रिक सोसाइटी बनाई है शिकागो में 1935 में. और 1938 में ये बना रहे हैं क्या, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो क्या कर रहा है, दैट मेजर्स द वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. मनुष्य की बुद्धि से, मानव की बुद्धि को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारकों को नापने के लिए इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट बनाया, PMA. ठीक है, और कुछ इनके पब्लिकेशन भी हैं बहुत महत्वपूर्ण, जो कि जैसे द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पे इन्होंने लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, द वेक्टर ऑफ माइंड, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एंड मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस.
और आपको एक और बात कॉमन लगेगी साइकोमेट्रिक अप्रोच की, जितने भी साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी पे बात कर रहे हैं, इस अप्रोच पे बात कर रहे हैं, उनमें सब में क्या कॉमन है, ये लोग फैक्टर एनालिसिस से निकालते हैं अपने रिसर्चेस। यही काम स्पीयरमैन ने भी किया था, यही काम वर्नर ने भी किया और यही थर्स्टन भी कर रहे हैं। फिर इनकी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। लुईस लियोन थर्स्टन, पूरा नाम है इनका, प्रपोज्ड हिज मल्टीपल और ग्रुप फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस इन 1938। अगर ईयर हमको याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए, अच्छा रहता है कि हम ईयर वाइज बता सके कि कौन सी थियोरी कब आई, तो थर्स्टन की थियोरी 1938 में आ रही है और ये इसको नाम देते हैं ग्रुप फैक्टर, समूह कारक सिद्धांत के नाम से आपको मिल जाता है हिंदी में। फिर थर्स्टन ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ ए सिंगल फैक्टर जी। देखिए, अभी तक जितना चल रहा है साइकोलॉजी के क्षेत्र में इंटेलिजेंस पे काम, सब पे जी पे काम चल रहा है। अल्फ्रेड बिनेस सिर्फ जी कह रहे थे, फिर उसके बाद आए कौन, स्पीयरमैन, उन्होंने कहा नहीं जी तो है लेकिन साथ में एस भी है। फिर आए वर्नन, वर्नन ने कहा हाँ जी भी है एस भी है, लेकिन उन्होंने हायरार्की के टर्म में कहा। और फिर थर्स्टन आ रहे हैं, पहले हैं जो ये कहते हैं कि जी नहीं है, वो कहते हैं कि कोई हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स है, बहुत सारे कारक है, कोई एक सिंगल कारक नहीं है जो कि इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है या इंटेलिजेंस को गवर्न करता है, जबकि बहुत सारे मनुष्य की बुद्धि में बहुत सारे कारक हैं जो कि योगदान देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ही हैज यूज्ड, यूज्ड होना चाहिए था, सॉरी, ही हैज यूज्ड द न्यू एडवांस्ड टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। सभी लोग फैक्टर एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि चूंकि ये साइकोमेट्रिक से इन्वॉल्व है, इन्होंने बहुत सारा मेजरमेंट और ये सब पे काम किया है, इसीलिए इन्होंने जो फैक्टर एनालिसिस यूज की वो एडवांस्ड वर्जन है उसका। और उस पर वो काम करके क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं कि देयर एग्जिस्ट 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज फैक्टर एंड ही कॉल्ड देम द पीएमए। पीएमए का मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि कोई जी फैक्टर नहीं है, कोई जनरल इंटेलिजेंस जैसी बात नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि को ये 7 मानसिक योग्यताएं प्रभावित करती हैं। और 7 कौन सी हैं ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इस तरीके से इन्होंने किसको रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने जी फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया स्पीयरमैन की, जो इस वक्त बहुत प्रिविलेंट था उस काल में, इनकी थियरी का बहुत बोलबाला था स्पीयरमैन साहब की। फिर उन्होंने क्या कहा, ही हैड स्टेटेड दैट ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आर डाइवर्स, और ये कह रहे हैं कि मनुष्य की जो बौद्धिक योग्यताएं हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार की हैं, मतलब ये है ना 7 तरीके की बता रहे हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, ही हैड स्टेटेड दैट एवरी इंडिविजुअल पजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ दीज 7 फैक्टर्स, मतलब मेरे पास वही 7 फैक्टर डिफरेंट लेवल के होंगे, आपके पास दूसरे तरीके के होंगे, किसी और के पास तीसरे तरीके के होंगे और नेक्स्ट के पास दूसरे तरीके के होंगे, मतलब एवरी इंडिविजुअल, सबके पास यही है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, लेकिन लेवल सबका बदल गया है, एंड दीज लेवल्स डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। और ये भी कह रहे हैं कि कोई एक लेवल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है ना, सारे क्या है एकदम सेपरेट है, एंड ईच ऑफ दीज एबिलिटीज कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली, और इसीलिए हम हर 7 को अलग अलग तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। इस तरह से ये किसको और रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आईक्यू को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आईक्यू तो हमको एक टर्म बता रहा था ना, एक न्यूमेरिक वैल्यू बता रहा था, ये कह रहे हैं नहीं आईक्यू पे मत जाइए, बल्कि जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है उनको आप अलग अलग यू कैन से कि डेवलप करने की कोशिश कीजिए, और चूंकि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इसलिए उनका इवेल्युएशन भी अलग अलग हो सकता है। फिर वो क्या कह रहे हैं, बट लेटर ऑन ही हैज एक्सेप्टेड। अच्छा, एक और खास बात, ये मतलब बहुत सारे टेस्ट इन्होंने अप्लाई करते गए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट बनाया, रिजल्ट की एनालिसिस करते करते बाद की रिसर्चेस में इन्होंने पाया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 7 फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को गवर्न करते हैं, बल्कि जी फैक्टर भी है। यानी कि शुरुआत ये कहाँ से करते हैं, जी फैक्टर के रिजेक्शन से, लेकिन अंत में काम करते करते इंटेलिजेंस पे, एबिलिटीज पे, टेस्ट पे ये कहते हैं कि जी फैक्टर है, मतलब इन्होंने भी जी फैक्टर को बाद में स्वीकार कर लिया। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जी फैक्टर की इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत महत्ता है। फिर चूंकि ये साइकोमेट्रिक सोसाइटी बना रहे हैं, बहुत इनका साइकोमेट्रिक पे काम है, इसलिए ये क्या कवर करते हैं, थर्स्टन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड मीन एन एस डी ऑफ आई क्यू स्कोर एज यूज टूडे एज अपोज टू द इंटेलिजेंस टेस्ट सिस्टम
ओरिजिनली यूज बाई अल्फ्रेड बिने. अल्फ्रेड बिने किसको इस्तेमाल करें, मतलब अल्फ्रेड बिने के बाद आ रहे हैं आपके कौन, स्टर्न, जो कि ला रहे हैं आईक्यू का कंसेप्ट, और फिर टर्मेन उसको अपने स्टैनफर्ड बिने में यूज कर दे रहे हैं. लेकिन ये थर्स्टन है जो कह रहे हैं कि नहीं, हम स्टैंडर्डाइज्ड मीन और एसडी से निकालेंगे आईक्यू, जो कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि डेविएशन आईक्यू जिसको कहा जाता है. तो थर्स्टन साहब आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है आईक्यू से डेविएशन आईक्यू तक ले जाने में आईक्यू को. ओके फिर अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं. देखिए हमको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हायरार्की नहीं है इसलिए हम इसको आगे पीछे याद कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन हमको साथ यही याद करनी है, ये हमको ध्यान देना है. तो पहली ये क्या, पहली मतलब कह रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी है हमारे पास किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए, ये एक मल्टीपल फैक्टर है. वर्बल, स्पेशियल, मेमोरी, कहीं कहीं ये एसोसिएटिव मेमोरी मिलता है. फिर वर्बल फ्लुएंसी, इंडक्टिव रीजनिंग और परसेप्चुअल स्पीड. इन्होंने इतने सारे टेस्ट करके, रिसर्च करके, फैक्टर एनालिसिस करके हमको बताया कि ये सात प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को गवर्न करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और सातों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसलिए हम हर किसी का अलग इवेल्युएशन कर सकते हैं, हमको हर किसी को अलग अलग डेवलप करना चाहिए, और कोई जनरल फैक्टर नहीं है. शुरू में कह रहे थे, बाद में ये मान लेते हैं और कहते हैं कि सभी इंडिविजुअल में यही है, बस इनका लेवल क्या है, अलग अलग है. मतलब किसी में न्यूमेरिकल ज्यादा हो सकता है, वर्बल कम, स्पेशियल ज्यादा, मेमोरी कम, वर्बल फ्लुएंसी ज्यादा, इंडक्टिव रीजनिंग कम, इस तरीके से. फिर जान लेते हैं कि सबके बारे में थोड़ा सा, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है. न्यूमेरिकल का मतलब आंकिक, आंकिक का मतलब वो इंडिविजुअल जो क्या कर सकेंगे, एबिलिटी टू डू क्विक एंड एक्यूरेट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. मतलब आपको सवाल दिया जाए क्लास में और आप जल्दी से उसका हल निकाल देते हैं, बहुत जल्दी आप आंकिक गणनाएं कर लेते हैं, इसका मतलब कि आप थर्स्टन की न्यूमेरिकल प्राइमरी मेंटल एबिलिटी रखते हैं. फिर वर्बल अगर है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एबिलिटी, यानी कि हमें ये योग्यता होगी टू यूज वेरियस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. लिखा हुआ है वर्बल का मतलब भाषिक, यानी कि शब्दों का, वाक्यों का हम अच्छे से, बेहतर तरीके से यूज करने की योग्यता, ये मेंटल एबिलिटी है. स्पेशियल का मतलब स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, जैसे इसका क्या मतलब कि टू अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. ये वेरियस ऑब्जेक्ट्स रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी इंटेलिजेंस टेस्ट में आपने देखा होगा ना, आकृतियां दी रहती हैं, फिर कहते हैं कि एक आकृति है, फिर सेकेंड पिक्चर में वो थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, कितना 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, फिर तीसरे में और चौथे में और फिर पांचवें में पूछते हैं कि इसमें से कौन सी आकृति होगी. तो इसके लिए वो लोग इस सवाल को बेहतर कर पाएंगे जिनके पास स्पेशियल मेंटल एबिलिटी होगी, यानी कि हम आकाशीय विन्यास की अगर हमारे पास योग्यता है कि हम समझ सकें. फिर मेमोरी का मतलब कि हम स्मृति, स्मृति हमारी बढ़िया होनी चाहिए, इसका मतलब कि टू क्विकली मेमोराइज द वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड आल्सो टू रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम. मतलब जल्दी से हम कंसेप्ट को याद भी कर सकें और हम उसको ज्यादा देर तक याद रख भी सकें. अगर जल्दी याद कर लेते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं, मतलब जल्दी याद करें और देर तक याद रखें, ये योग्यता उन्होंने इसको नाम दिया मेमोरी. फिर वर्बल फ्लुएंसी को वर्ड फ्लुएंसी भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, ये ऑब्लिक वर्ड फ्लुएंसी भी लिखना चाहिए था मुझे. इसका क्या मतलब, रैपिडली स्पीक सेवरल आइसोलेटेड वर्ड्स, या आप कह सकते हैं ये योग्यता कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है, या आप कह सकते हैं ये योग्यता राइटिंग से भी आपको कहीं कहीं मिलेगा संबंधित है. तो वर्बल और वर्बल फ्लुएंसी इन्होंने दो नाम दिए हैं, या वर्ड फ्लुएंसी, और दोनों को ही इन्होंने अलग अलग मेंटल एबिलिटी के रूप में रखा है. फिर इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग इंडक्शन से आया है. इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जनरल प्रिंसिपल को स्पेसिफिक कंसेप्ट से निकाल सकें, एबिलिटी टू डिड्यूस अ जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम ए स्पेसिफिक कंसेप्ट. जैसे मतलब हम स्पेसिफिक टू जनरल चलें, स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब कि हम देखें कि हमने पत्ती का कलर देखा, कि हमने देखा इस पत्ती का भी कलर आम की पत्ती का भी कलर हरा है, नीम की पत्ती का भी कलर हरा है, और भी हमने 10 पेड़ों की पत्तियां देखी, पौधों की पत्तियां, सबका कलर हरा है. तो हमने जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्या निकाल लिया कि जनरली पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं. ओके तो जब हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं तो इंडक्टिव, जब हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं तो डिडक्टिव. तो ये इंडक्टिव रीजनिंग की को एक मेंटल एबिलिटी मान रहे हैं. और फिर परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि हमारे पास परसेप्शन की स्पीड कैसी है, यानी कि एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रैपिडली रिकॉग्नाइज एंड कंपेयर द स्पेसिफिक इमेजेस, नंबर्स और लेटर्स. यानी कि हमें ये योग्यता या क्षमता हो कि हम
जल्दी से पहचान कर सकें, तुलना कर सकें विशिष्ट चित्रों की, अक्षरों की, अंकों की, संख्याओं की। तो ये भी हमसे इंटेलिजेंस के टेस्ट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चार, हमारे पास एड्रेस लिखे हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा अलग है, तो जल्दी से हमको देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज एक जैसी और कौन सी डिफरेंट है। तो ये सात मेंटल एबिलिटीज थर्स्टन ने फैक्टर एनालिसिस करके निकाली और हमको बताई कि ये सात प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, उन्होंने इसको पीएमए नाम दिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं और हम ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। और शुरू में ये जी फैक्टर को अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन बाद की रिसर्च में आते आते काम करते करते इंटेलिजेंस पे इन्होंने कहा नहीं, आप जी फैक्टर को पूरी तरह नकार नहीं सकते, जी फैक्टर भी है एग्जिस्टेंस में। ओके, सो आज हम लोगों ने थर्डस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को कवर किया है, थर्डस्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को कवर किया है। इस तरह से हम लोग एक दो तीन चार पांच पांच थ्योरीज पढ़ चुके हैं और अभी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। और एक और खास बात कि थर्डस्टन की ये थ्योरी जो ये मल्टीपल फैक्टर ले आए, ग्रुप फैक्टर ले आए, ये आगे चल के बहुत सारी थ्योरीज के लिए इसने मार्ग प्रशस्त किया है, जैसे SOI मॉडल ऑफ गिलफर्ड है ना, आपका हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल जो मल्टीपल फैक्टर सॉरी बहुगुणित सिद्धांत आता है थ्योरी का इंटेलिजेंस का, उस सब के लिए इसने मार्ग प्रशस्त किया है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जॉइन टेलीग्राम ग्रुप आल्सो टू अटेन डेली क्विजेस, लर्न फॉर गेटिंग लर्निंग मटेरियल्स, फॉर आस्किंग योर क्वेरीज एंड प्रोवाइडिंग मी फीडबैक। एंड टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम स्कैन टू ज्वाइन और टाइप explore_education. Okay? Done.